नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के शनिवार को दिए मस्जिद पर लाउडस्पीकर वाले बयान के बाद मुंबई में मनसे ऑफिस में लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा बजाया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। मुंबई के घाट कोपर में मनसे ऑफिस में लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा को बजाया जा रहा था, जिस पर रविवार को बिना अनुमति लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने पर मनसे नेता महेंद्र भानुशाली को पुलिस हिरासत में लिया गया। श्रीलंका में राजनीतिक अशांति के मद्देनजर लगाया गया 36 घंटे का कर्फ्यू सोमवार को हटा लिया गया है। श्रीलंका में अब सार्वजनिक परिवहन सामान्य सेवाएं बहाल कर दी गई है। सभी ऑफिस ट्रेनें पहले की तरह पटरी पर आ गई हैं, लेकिन लंबी दूरी की ट्रेनें एक घंटे की देरी से चल रही है। आर्थिक संकट के खिलाफ सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद श्रीलंकाई मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को छोड़कर रविवार रात को सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। राज्य के मंत्रियों के इस्तीफे पर फैसलों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री सरकार के भविष्य के बारे में फैसला करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त राष्ट्र एजेंसी कोवैक्सीन की आपूर्ति पर रोक लगाने के बाद भारत बायोटेक ने सोमवार को अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा कि हमें फीडबैक मिला है, हम उसमें सुधार करेंगे। WHO ने कहा है कि यह सुधार वैक्सीन के असर और सुरक्षा से संबंधित नहीं है। ये कोवैक्सीन के लिए WHO की नियमित जांच थी। सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के विधायक डेरेक ओब्रायन ने राज्यसभा में एक प्रस्ताव पेश करने की योजना बनाई, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के लिए एक विधेयक पारित करने की मांग की गई है। ओब्रायन नियम 168 के तहत प्रस्ताव पेश करते देखे गए, जो सदस्यों को जनहित के मुद्दों को उठाने की अनुमति देता है। लोकसभा में 15% महिला सांसद है, जबकि राज्यसभा में 12.2% है। रिजर्वेशन होने के बावजूद सीनियर सिटीजन को सीट ना देना भारतीय रेलवे को भारी पड़ गया है। उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को पीड़ित यात्री को 1,00,000 रुपए हर्जाना देने का आदेश सुनाया है। मामला करीब 14 साल पुराना है। बिहार के रहने वाले इंद्रनाथ झा को रिजर्वेशन के बावजूद सीट नहीं दी गई थी, उन्हें दरभंगा से दिल्ली की यात्रा खड़े होकर करनी पड़ी थी। पाकिस्तान सरकार की तरफ से जारी नए सर्कुलर में दावा किया गया है कि इमरान खान आधिकारिक तौर पर अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है। इससे पहले पाक के निवर्तमान मंत्री फवाद चौधरी ने कहा था कि अनुच्छेद 224 के तहत इमरान खान फिलहाल कार्यवाहक पीएम बने रहेंगे। रविवार देर शाम पाकिस्तान सरकार की तरफ से नया सर्कुलर जारी किया गया है। चीन ने अपनी साजिश से श्रीलंका को कंगाल की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। आलम यह है कि खाने पीने की चीजों की कीमत आसमान छू रही है। रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई है, देश का खजाना खाली होता जा रहा है, जिसके चलते सरकार जनता की जरूरत के मुताबिक ईंधन, खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं का आयात नहीं कर पा रही है। ईंधन की कमी के कारण कई पेट्रोल पंप पर लोगों को 12 से 13 घंटे तक कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही काफी तेजी से काम कर रहे हैं, बल्कि राज्य के हर विभाग के मंत्री योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। यूपी सरकार अपने प्रयासों से राज्य को हर स्तर पर पहले स्थान पर लाना चाहती है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर में विस्तार की बहुत संभावनाएं हैं। पूर्वी अमेरिकी राजदूत ने दावा किया है कि दिल्ली नहीं चाहता था कि वॉशिंगटन अपने बयानों में चीन की सीमा पर आक्रमण का उल्लेख करे। पूर्व अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर ने यह दावा एक भारतीय न्यूज चैनल से बात करते हुए करा है, जिसमें उनसे पूछा गया था कि गलवान घाटी हिंसा की आखिर अमेरिका ने क्यों आलोचना नहीं की थी। टाइम्स नाउ के एक शो में जस्टर ने कहा है कि किसी भी यूएस इंडिया कम्युनिकेशन या किसी भी क्वाड कम्युनिकेशन में चीन का उल्लेख करने में संयम भारत की तरफ से आता है, ताकि भारत चीन की नजरों में ना चुभे। जम्मू और कश्मीर वक्फ ने पहली महिला अध्यक्ष डॉक्टर दरखशा अंद्रावी का कहना है कि उनकी योजना केंद्र शासित प्रदेश में पाक जगहों को विश्वस्तरीय केंद्रों में बदलने की है। अंद्रावी दुनिया में वक्फ बोर्ड की अध्यक्षता बनने वाली पहली महिला है और वह एक मशहूर लेखक, कवि और सामाजिक कार्यकर्ता। अंद्रावी की नियुक्ति पिछले महीने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर वक्फ निकाय के पुनर्गठन के बाद हुई थी। डायरेक्टर SS राजमौली की फिल्म RRR बॉक्स ऑफिस पर पूरी रफ्तार के साथ दौड़ रही है। फिल्म भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी धुआंधार कमाई कर रही है। इसने कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए हैं। RRR ने गंगूबाई काठियावाड़ी, द कश्मीर फाइल्स और बाहुबली हिंदी को भी पीछे छोड़ते हुए अब रजनीकांत की फिल्म 2.0 के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी पार कर लिया है। भारत को छोड़कर क्वाड के सभी सदस्य देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा कर रहे हैं और उन्होंने रूस पर कई प्रतिबंध को भी लगा रखा है, लेकिन भारत रूस यूक्रेन युद्ध पर निष्पक्ष रुख अपनाते हुए अमेरिका लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि भारत रूस की आलोचना करे। क्वाड सदस्य जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने भी रूसी हमले को लेकर भारत के रुख पर टिप्पणी की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को मुंबई
में बाद के आवास पर महाराष्ट्र निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की। गडकरी ने इस बैठक के पीछे कुछ भी राजनीतिक होने से इनकार करते हुए साफ तौर पर एक पारिवारिक बैठक बताया है। इस मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत में गडकरी ने मन से प्रमुख के परिवार के साथ अपने पुराने संबंधों की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो उनके निमंत्रण पर उनके घर आए थे। झारखंड सरकार के पास पेंशन के बकाए 4,000 करोड़ रुपए को लेकर बिहार से तकरार का प्लॉट एक बार फिर तैयार हो गया है। आगामी 10 अप्रैल को होने जा रही पूर्वी क्षेत्रीय अंतरराज्यीय परिषद की बैठक में यह मामला बिहार की तरफ से उठाया जाएगा। बिहार सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी दे दी है। झारखंड की तरफ से इसे देने से लगातार आनाकानी की जा रही है। पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी की नजरें इस साल के अंत में होने वाले गुजरात और 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी को राज्य में एक बड़ा चेहरा मिलने जा रहा है। बेंगलुरु के पूर्व पुलिस आयुक्त ADGP रैंक के IPS अधिकारी भास्कर राव आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेने वाले हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनाए जाने की अटकलों से समाजवादी पार्टी सपा में बेचैनी दिखने लगी है। राजनीतिक गलियारे में अटकलों का बाजार गर्म है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के विधायक चाचा को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के पद से नवाज सकती है। गंगा की सफाई के लिए केंद्र सरकार की नमामि गंगे योजना में बिहार सरकार फिसड्डी साबित हुई है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बिहार सरकार ने फंड के बड़े हिस्से का अब तक इस्तेमाल ही नहीं किया। राजधानी पटना में सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए यह पैसा आवंटित किया गया था। बिहार में पिछले कुछ दिनों में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा जाने की अटकलें लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि सीएम केंद्र में भूमिका निभाना चाहते हैं। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री का पद खाली होने वाला है। अब खुद सीएम नीतीश ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। उनका कहना है कि मीडिया में कुछ भी बात आती रहती है, हम भी देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। पंजाब के भगवंत मान सरकार बिजली फ्री करने के वादे को लेकर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार बनने पर 1 अप्रैल से पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया था आम आदमी पार्टी की सरकार ने, लेकिन 4 अप्रैल होने के बावजूद इस वादे को पूरा करने से अब तक कुछ नहीं किया है। अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान दिल्ली ने वैज्ञानिक के रिक्त पदों को भरने के लिए अनुभवी उम्मीदवारों के लिए आवेदन जारी कर दिया है। जिन युवाओं ने MSc डिग्री पास कर ली है और अनुभव है, वो इन पदों के लिए लास्ट डेट से पहले फॉर्म भर सकते हैं। विभाग अनुभवी उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में वरीयता भी प्रदान करने वाला है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप पर फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही शिक्षा और अन्य योग्यता, डेट ऑफ बर्थ और अन्य आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों के साथ स्वयं प्रतिबंधात्मक प्रतियां और नियत तारीख से पहले भोजन अनिवार्य करेंगे। आपकी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं समुद्र का तापमान बढ़ाने के साथ ही धरती को तेजी से गर्म कर रहा है। जी हाँ, ये सच है। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक एक समूह ने अपने अध्ययन में इस बात को साबित किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हवा में बढ़ती ओजोन की मात्रा से समुद्रों का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते आने वाले समय में जलवायु में बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। NHK नए वार्षिक एक्शन प्लान में पटना से जुड़े 2 नए प्रोजेक्ट को मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है। इन दोनों परियोजनाओं पर पूर्व में सैद्धांतिक सहमति है, इसीलिए संभव है कि इनके लिए नया एक्शन प्लान में आवंटन उपलब्ध हो जाए। पटना में एम्स से लेकर नौबतपुर जंक्शन तक 2-लेन सड़क के प्रस्ताव को वार्षिक एक्शन प्लान में शामिल किया जा रहा है। खुद का बिजनेस शुरू करने वाले लोगों के लिए हम एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं। अगर आप भी खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस बिजनेस आइडिया से मोटी कमाई कर सकते हैं। हम यहाँ टोमेटो सॉस के बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। टोमेटो सॉस का इस्तेमाल आज हर किचन में हो रहा है। खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए टोमेटो सॉस का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिटेन के साइंटिस्टों ने प्लास्टिक वेस्ट यानी कि प्लास्टिक के कचरे की वैश्विक समस्या के प्राकृतिक निदान की दिशा में अहम कदम बढ़ाया है। यहाँ की यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ की गई स्टडी में रिसर्चर्स के एक विशेष एंजाइम का पता लगाया है जो TPA यानी कि टेरेफ्थेलेट को तोड़ने में सक्षम है। TPA का इस्तेमाल PET यानी कि पॉलिथीन टेरेफ्थेलेट प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार अजीत कुमार की तमिल फिल्म वल्लीमाई ने बड़े पर्दे पर तो धमाल मचाया ही, लेकिन अब ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर भी अपना परचम लहराती हुई नजर आ रही है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, ठीक वैसे ही इसने OTT पर भी एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल अजीत कुमार, हुमा कुरैशी और कार्तिकेय घुमाकोंडा की एक्शन थ्रिलर फिल्म वल्लीमाई ने G5 पर 500 मिलियन व्यूज पार कर लिया है। कजान के एक निवासी ने बताया है कि शहर में एक भी दवाघर में ये दवाएं उपलब्ध नहीं है। रूस में विशेषज्ञों और स्वास्थ्य प्राधिकारियों का कहना है कि दवाओं की कमी अस्थायी है और ये घबराकर दवाएं खरीदने और प्रतिबंधों के कारण आपूर्तिकर्ताओं के लिए साजो सामान संबंधी मुश्किलों के चलते हुआ है। लेकिन कुछ विशेषज्ञ ने चिंता जताई है कि उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं रूसी बाजार से गायब रहेंगी। मॉस्को की पिरोगोव मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर एलेक्सकी एरखीव ने कहा है कि संभवतः इनकी कमी होगी। मैं नहीं जानता कि ये कितना विनाशकारी होगा।
अमेरिका शुरू से ही दूसरे देश पर अपना वर्चस्व स्थापित करने में लगा हुआ है, क्योंकि वो वही कूटीवादी नीति को कमजोर देशों पर थोपने में लगा रहता है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी ने कहा है कि अमेरिका को इस क्षेत्र के मुस्लिम देश के प्रति दया भाव नहीं है। ये जानकारी राष्ट्रपति की आधिकारिक वेबसाइट से सामने आई है। चंडीगढ़ के मुद्दे को लेकर जहां केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है, वहीं इस मुद्दे को लेकर पंजाब और हरियाणा में भी शाब्दिक जंग जारी है। इस बीच ही नवजोत सिंह सिद्धू का एक ट्वीट सामने आया है। उनका कहना है कि पंजाब के 27 गांव उजाड़ कर बनाया गया है, चंडीगढ़ पंजाब का था और पंजाब का रहेगा। उनका कहना है कि चंडीगढ़ तो बहाना है, पंजाब के दरिया पानी पे निशाना है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने स्पेशलिस्ट ग्रेड के 40 पदों पर और स्पेशलिस्ट ग्रेड के लिए 5 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 45 साल की उम्र के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वेबसाइट esic.nic.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वहीं इसके उम्मीदवार 20 तारीख तक आवेदन कर सकेंगे और इसका सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर होगा। कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को रिलीज हुए महीना भर होने वाला है। बावजूद इसके ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श के ट्वीट के मुताबिक फिल्म ने 24वें दिन यानी कि रविवार को 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। इसके साथ ही हिंदी बेल्ट में फिल्म की कमाई अब तक 245.03 करोड़ रुपए हो चुकी है। शनिवार को फिल्म ने 2.25 करोड़ जबकि शुक्रवार को 1.50 करोड़ रुपए कमाए थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जो यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मियां घापर भाई, ध्रुव कुमार, अर्जुन कुमार, सचिन कुमार, कुणाल कुमार, प्रवीण कृष्णा, सलीम भाई, मनीष मल्होत्रा, रघुनाथ प्रसाद, अखिलेश यादव। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश भर में पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दाम से आपके बजट पर कितना असर पड़ा है? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।